तूने वक्त पलट कर कभी देखा है कैसे हैं सब तेरी रफ्तार के मारे हुए लोग। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपका दिल बहुत उदास रहता है और कोई आपको समझ नहीं पाता तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वो तमाचा जो खुलूस के बदले पड़े इंसान को बदल के रख देता है। याद आते हैं तो टूटकर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ पिछड़े हुए लोग। सब कुछ छूट हो सकता है, सब कुछ, लेकिन अकेले में निकले आंसू कभी छूट नहीं हो सकते। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। आवाज़ें गुम हो जाती हैं, हर्फ निशानी हो जाते हैं। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़े। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पे भी हों, मकाफाते अमल अटल है। कितनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कितने चुपचाप से चले जाते हैं जाने वाले। बहुत कुछ है कहने को पर न जाने क्यों, न जाने क्यों अब कुछ ना कहूँ, वही बेहतर लगता है। कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती हैं, हम चाहें भी तो उसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। पलकों की हद को तोड़ के दामन पे आ गिरा एक अश्क मेरे सब्र की तोहीन कर गया। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब न दिन की रोन के मुतासिर करती हैं न रात की उदासियाँ। जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आंखें पानी से भर जाएं, मुँह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज़्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। जो कहा नहीं जा सकता वो रुलाता बहुत है। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, उसका मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। कभी कभी कुछ बोलने का दिल नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी लें तो सामने वाला शायद समझ नहीं सकेगा, इसलिए खामोशी का सहारा लेकर मुस्कुराकर जीते रहते हैं। कभी कभी आपके पास रोने के लिए कंधा नहीं होता मगर सजदा करने के लिए ज़मीन ज़रूर होती है, ताकि आप अपने दुख अल्लाह को बता सकें, अल्लाह को बता सकें, और ये सहारा सब सहारों पे भारी है। जब आंसू खुद ही आँखों से गिरने लगते हैं, जब रोना भी चाहते हैं मगर कोई देख ना ले, इस डर से आँखों को मसल के एक लंबी सांस लेकर खुद को चुप करवाने और ख़ुद को बहलाने के वो लम्हे, और उन लम्हों की अज़ियत को कोई नहीं जान सकता। जब हम
बस ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। वक्त गुजर जाता है पर लोगों के लहजे, लफ्ज़, कड़वी बातें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके जख्म नहीं होते, पर दुखते बहुत हैं। दिल के अंदर किसी कोने में धड़कन के साथ साथ धड़कते हैं। लोगों का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की खामी को अपने अंदर छुपा सके। हम दुनिया के इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ लोगों को हमारी तकलीफ़ से बस इतनी सी देर की वाबस्तगी होती है, जब तक उन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई सामान नहीं मिलता। और आखिर में हम होते हैं हमारी तकलीफ़ और अल्लाह। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब ना दिन की रौनकें मुतासिर करती हैं ना रात की उदासियाँ, जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आँखें पानी से भर जाएं, मुँह छुपा कर आंसू साफ करने पड़े और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब ज़िंदगी से ज़्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जियो और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।